कुछ नाम संकीर्तन करेंगे, फिर मुचलामत का पाठ और ध्यान। सिखाऊंगा उसको अनुसरण कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इस प्रार्थना से हम सबके लिए प्रार्थना किए हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सब आनंद में रहे सुख में रहे सर्वे संतु निरामयाः जो भी दिक्कत है सब दूर हो जाए ये प्रार्थना से हम अभी थोड़ा ओंकार उच्चारण करेंगे ओंकार के बाद ध्यान लगाएंगे थोड़ा वचनामृत पढ़ लेंगे
इसके बारे में सोचेंगे, फिर इसी के ऊपर ध्यान करेंगे, क्योंकि कोई हायर आइडियल आदर्श को लेकर इसके ऊपर कंसंट्रेट करना, इसके ऊपर मन को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति क्या है, तो उन्होंने व्याख्या करते हैं कि किसी को प्यार करना, किसी से लविंग somebody इंटेंसली इज भक्ति। बट ही इमीडिएटली क्लैरिफाइज, नॉट ऑर्डिनरी लव, नॉट ऑर्डिनरी अटैचमेंट, बट लविंग समथिंग विच इज सुप्रीम, विच इज वेरी हाई, लाइक ईश्वर, लाइक भगवान, somebody whom you adore in the day, in the night, through all your life you have adoration for one ideal which is universal. So such an ideal alone can please you, which can give you satisfaction throughout your life. So Narada Muni says, loving such an ideal person or an ideal is true bhakti, not ordinary love. If ordinary love could become bhakti, then yes, we need not have to do any sadhana at all. That is not the intention. So loving God, who is infinite, who is all compassionate, who is the same to everybody, har ek ke liye ek hai, jiska samadrishti hai, samatva hai, to usko pyar karna, wahi adarsh bhakti hai. To yahan par to ऐसे कोई आदमी को चुन लेना है जो हमें सर्वदा इंस्पायर कर सकता है, somebody who can take us forward in life from whatever we are. So इसलिए any ideal for that matter can lead us towards God. If we can devote our entire mind, our heart to that ideal, then all ideals are representations of that same truth. सच तो एक ही है, सत्य तो एक ही है, तो इसलिए हर एक मार्ग से, हर एक पथ से हम वही सत्य को पहुंचते हैं. तो इसलिए जो भी आदर्श है, जो भी आइडियल है, सच बोलना है, सबको मदद करना है, सबको सेवा करना है, माता पिता को सेवा करना है, तो निस्वार्थ रहना है, जो भी आइडियल लीजिए आप, विच एवर आइडियल यू वॉन्ट टू टेक इन लाइफ, अडॉप्ट इन लाइफ, उसका अंत सच में ही पहुंचता है, तो भगवान में ही पहुंचता है. तो इसलिए तो ऐसे एक आदमी को चुन लेना है, चूज़ करना है, जो हमें इंस्पायर कर सकता है हर समय. तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव वैसे आदमी है. तो अगर आप और कुछ पसंद करते हैं, तो जैसे बुद्ध हो सकता है, जैसे कृष्ण हो सकता है, सब तो एक ही है, फिर भी तो यू कैन थिंक अबाउट दैट ड्यूरिंग योर मेडिटेशन. तो अभी तो जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वचनामृत में जो परिचय है श्री रामकृष्णदेव के बारे में, जो संक्षिप्त जीवनी है, तो उसको हम पढ़ रहे थे. इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसी के बारे में सोचेंगे, आलोचना करेंगे. तो यहाँ पर श्री रामकृष्णदेव जब वहाँ पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में काली देवी की पूजा कर रहे थे, तो उसी का वर्णन है यहाँ पर. ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे, तो श्री रामकृष्णदेव स्वयं ईश्वर बनकर माँ को पूजा कर रहे थे. यही है आदर्श पूजा में, कि जो मूर्ति को मैं पूजा कर रहा हूँ, इसके अंदर जो चिन्मय देखता हूँ, तो सच्चिदानंद देखता हूँ, वही सच्चिदानंद मेरे अंदर भी है, इसलिए मैं इसको आराधना कर सकता हूँ. दिस इज़ द आइडियल इन पूजा. द पुजारी, द पर्सन हु इज़ वर्शिपिंग, बिकम्स वन विद द आइडियल, विद गॉड. सो यू बिकम वन विद गॉड एंड यू वर्शिप गॉड. यू आर वर्शिपिंग द गॉड विद इन योर सेल्फ. तुम्हारे अंदर ही जो भगवान है, उन्हीं को पूजा कर रहे हैं. दैट इज़ द आइडियल इन पूजा. तो उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्री रामकृष्ण प्रेरित हो, ध्यानावस्थित हो, श्री काली देवी पर फूल चढ़ाते थे, आँखों में अश्रुधारा
बह रही है, तन मन की सुध नहीं, हाथ कांप रहे हैं, हृदय उल्लास से भरा है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते हैं, और घंटी आरती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही। श्री काली जी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और थोड़ी ही देर में उन्हीं ही उन्हें देखते हैं, स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं, स्वयं में भी उन्हीं को देख रहे हैं और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं। कहते हैं, माँ तुम, मैं तुम, और ध्यान मग्न हो समाधिस्थ हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं कुछ का कुछ, परंतु ईश्वर मुस्कुराते हैं। बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते होंगे कि यह रामकृष्ण हूँ तो मैं ही। तो ये है श्री रामकृष्णदेव का परिचय। यहाँ पर कैसे पूजा करते थे श्री रामकृष्णदेव, इसके बारे में इन्होंने बता रहे हैं। जो भी महान पुरुष करते हैं तो असाधारण ही होना चाहिए, असाधारण ही होता है, तभी तो आदर्श होता है। इफ़ इट समथिंग ऑर्डिनरी जनरल, जो बहुत आसानी से होता है, तो देन नोबडी वुड हैव स्ट्रगल टू फाइंड इट आउट, नोबडी वुड हैव स्ट्रगल टू रीच दैट लेवल। सो इसलिए इन लोगों का जीवन, इन लोगों का जो क्रिया, सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाता है, महान हो जाता है। दैट इज़ वाई वी वर्शिप दैम। सो यहाँ पर श्री रामकृष्ण जब पूजा करते थे, एंड ही यूज टू वर्शिप, ही यूज टू बिकम सो एंग्रॉस्ड, सो आइडेंटिफाइड विथ द डीटी, विथ द गॉड, एक बनकर पूजा करते थे। दिस इज एज आई सेड ऑलरेडी, पूजा का आदर्श यही है। तो श्री रामकृष्णदेव के जीवनी में हम देखते हैं कि बाद में भी जब समाधि में चले जाते थे, व्हेन ही यूज्ड टू गेट मर्ज इन समाधि, तब इनके चेहरे पर इतना अच्छा एक शांत भाव, आनंद का उल्लास, देर वॉज सच ए प्लेजेंट अपियरेंस इन द फेस, फुल ऑफ ब्लिस, देर वॉज सच ए वंडरफुल स्माइल ऑन हिज फेस। इट वॉज एविडेंट दैट देर वॉज नो डिफिकल्टी, कोई पेन नहीं था, इट वॉज नॉट अ नर्वस कंडीशन और समथिंग, एन एबरेशन ऑफ द बॉडी और द माइंड दैट वॉज हैपनिंग। इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस एज एक्सप्लेन्ड बाई ऑल द ग्रेट सेंट्स इन अवर हिस्ट्री, हू एवर टेक, दैट देर इज ए स्टेट विच इज़ बियॉन्ड ऑर्डिनरी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, विच इज़ नॉट सेंसरी इन नेचर, विच इज़ नॉट बाउंड बाई अवर सेंस परसेप्शन, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो श्री रामकृष्ण फेस यूज टू बीमिंग विद दर स्माइल। यू सी द फेस ऑफ एनी ऑफ द सेंट्स, द गुरु नानक जी, बुद्ध, चैतन्य, ऑल दिस पीपल्स फेस इज फुल ऑफ ब्लिस। इट कुड बी ए पेंटिंग, बट इवन द पर्सन हु हैज पेंटेड इट, दैट आर्टिस्ट हैज इमेजिन दैट पर्सन टू बी लाइक दैट, बिकॉज द लाइफ वॉज लाइक दैट। इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी सी इन द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण ए पिक्चर विच शोज एग्जैक्टली दैट हाउ ब्लिसफुल हिज फेस वॉज। See the smile on his face. In any of his pictures, you never see him morose, you never see him depressed, crying, you never see a long face in Sri Ramakrishna, isn't it? That is the same way was with Sri Swami Vivekananda or Sharada Devi, all these great people. So later on, also Shashadhar and others who used to come to Sri Ramakrishna, they used to make this comment, this person does not have any position, no money, absolutely, no permanent job, no security, but is always in bliss. Shashadhar used to say, you see, my friend also says he goes into ecstasy and then makes lot of facial expressions and then his body bends and all that, but there is no bliss, there is so much of pain in his face, whereas you are so full of bliss. When I see you, we feel happy, we feel peace when we come near you. This is the difference. A person who realizes God, a person who has touched God, anybody who comes near him feels that peace, feels that calmness around.
So this is what we need to observe in Sri Ramakrishna and try to imbibe that in our life. All the tension, all the worries that we have, we do have worries. I do accept that yes, all of us have worries. World is full of problems. Nobody says world does not have problems. Even Krishna says this world is full of problems. There is asukham, is lok mein asukh hai, is lok mein ashanti hai, sab kuch hai, ashashvat hai. To sab kuch ke andar hum sochte hain na, isme sukh hai, isme shanti hai, isme yahi nishchit hai, isi ko hum pakdenge, isi se hum sab kuch payenge, aise sochte hain, isliye to dukh anubhav karte hain. Jo bhi ho, to we need to manage our lives, we need to manage our mind, we need to understand our life, our mind first. So this is what meditation is about, this is what trying to think about ourselves is about. So let us sit for a few minutes in meditation, let us try to bring our mind into focus, try to understand ourselves. If it is possible, जिसको जिसको चाहिए हो सकता है तो नीचे बैठिए तो थोड़ा ध्यान करेंगे. तो प्लीज सिट इरेक्ट, कीप योर स्पाइन, नेक एंड हेड इरेक्ट. यू कैन सिट इन पद्मासन और सुखासन, यू कैन सिट इन सम पोजिशन विच इज़ कम्फर्टेबल, विच इज़ नॉट पेनफुल टू योर बॉडी. नाउ Please breathe deeply, inhale and exhale slowly, deliberately. ध्यान से श्वास प्रश्वास करेंगे और जब श्वास अंदर लेंगे, when we inhale, let us think that we are taking in all positive vibrations, all things that are going to be beneficial to my life, like calmness, love, peace, understanding, harmony, unselfishness, all these good qualities which I cherish, जिसको मैं चाहता हूँ तो मेरे अंदर हो, तो ये सब गुण, ये सब जो आदर्श है, इसको मैं अंदर आवाहन करूँगा. I invite them to come into my heart, come into my being. And जब प्रश्वास, when I exhale, when I breathe out, so let me breathe out selfishness, anger, hatred, jealousy. ये सब जो है जो मुझे बर्बाद करता है, that which is harmful to my life, detrimental to my progress, negative जो है, ये सब छोड़ देना चाहिए. तो इफ़ वी कैन थिंक ऑलवेज, इफ़ वी कैन ऑलवेज फील दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस अप, आई हैव टू गिव दिस अप, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं. वॉट एवर वी थिंक वी कैन बिकम. सो इफ़ आई थिंक आई विल बी अ पॉजिटिव पर्सन, आई विल टेक ऑल पॉजिटिव थाट्स, इमोशंस, स्ट्रेंथ, देन आई बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. And the more I give up all negative thoughts, negative feelings, negative emotions, all negative things which are making my life miserable, I will be stronger again. तो इसलिए दोनों को करना है. तो एक positive को बढ़ाना है, दूसरा negative को कम करना है, negative को छोड़ना है. तो बिना छोड़ के positive को नहीं बढ़ा सकते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएंगे तो नेगेटिव को छोड़ना पड़ेगा. तो दोनों एक साथ में साइमल्टेनियस चलना पड़ेगा. तो ऐसे दो तीन मिनट धीरे से श्वास प्रश्वास लेंगे, साथ में अगर चाहिए तो ओंकार मन के अंदर कह सकते हैं, या और कोई भगवान का नाम ले सकते हैं. पहले इसको कीजिए.
सबके शांति के लिए, सबके भलाई के लिए, दुनिया की शांति के लिए हम प्रार्थना कर चुके हैं। अभी और एक सोच मन के अंदर लेके आइए कि ये जो मेरा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्ती में हूँ, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आनंदमय हूँ। तो सच्चिदानंद जो चैतन्य तो मेरे अंदर ही है, तो मेरे हृदय के अंदर भगवान बसे हैं, तो सब कुछ मेरे अंदर है, सब शक्ति मेरे अंदर है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ तो मैं बेहतर बन सकूंगा, सबसे मिलकर आनंद से रह सकता हूँ। ऐसे सोचिए कि मैं भगवान का शिशु हूँ, भगवान मेरे ही अंदर है, सब शक्ति मेरे अंदर है। इस शक्ति को प्रकट करना, विकास करना, यही है मेरा जीवन का उद्देश्य। हर एक काम के अंदर, हर एक चिंता के अंदर इसी पूर्णता को मैं व्यक्त करूंगा। ऐसे सोचिए, मैं मुक्त हूँ, बद्ध नहीं हूँ, तो कोई चीज़ मुझे बंधन में नहीं डाल सकता है। आई एम नॉट बाउंड टू माई बॉडी, टू माई वीकनेसेस, टू माई senses, to negativity, anything that is bringing me down, I am not bound by this, I can rise beyond this, I am a part of that infinite Sachidanand. Aise sochiye. बाहर का शब्द, बाहर का जो भी डिस्टर्बेंस है, डू नॉट लेट देम अफेक्ट योर माइंड। यू शुड टेल योर ईयर्स टू क्लोज, नॉट टू हियर ऑल द डिस्टर्बिंग साउंड्स, आईज नॉट टू गेट डिस्टर्ब बाय व्हाट इट सीज आउटसाइड। ट्राई टू फोकस विद इन योर ओन हार्ट, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड विद इन योर सेल्फ, तो आपके हृदय के अंदर एक फ्लेम, वन कैंडल फ्लेम या एक प्रदीप जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, जो प्योर है। यू कैन इवन कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, जहाँ पर अहम भाव उदय होता है, तो वहाँ पर सोचिए कि मैं शुद्ध परिशुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति हूँ, तो मेरे अंदर कोई कल्मश नहीं है, यही मेरा जीवन का केंद्र है, मेरा पूर्ण अस्तित्व यहाँ पर है। दिस इज़ माय सेल्फ, माय एग्जिस्टेंस, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, आई हैव टू लव माय सेल्फ, आई हैव टू एडमायर माय सेल्फ, I have to improve myself,
आई हैव टू अपलिफ्ट माई सेल्फ, मुझे और भी बेहतर बनना चाहिए, पूर्णत्व की ओर चलना चाहिए, तो मैं पूर्ण हूँ और भी इसका विकास कर सकता हूँ। इन्फिनिट है मेरा डायमेंशन, देर इज़ नो एंड टू बिकमिंग परफेक्ट, तो इसलिए और भी मैं कोशिश करते चलूँगा, ये एक बात है। नेक्स्ट हम सोचेंगे कि जो पूर्णता मेरे अंदर है वही पूर्णता हर एक के अंदर है, तो मेरा माता पिता भाई बहन दादा एनीबडी जो भी मेरे पास में है, जो पड़ोसी है, हर एक के अंदर हो सकता है, और दूसरा जाति का हो, दूसरा धर्म का हो, ये सब जाति धर्म रेस कलर बियॉन्ड ऑल दीज डिस्टिंक्शंस डिफरेंसेस देयर इज इन्फिनिट चैतन्य पूर्णता इन एवरीबडी इन एवरी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ मैन और ए वुमन। सो इसलिए तो जो भिन्नता देखते हैं, जो डिफरेंसेस देखते हैं, ये अज्ञान से होता है, भेद दृष्टि जो है ये डेट्रीमेंटल है, इट इज़ डिस्टर्बिंग आवर लाइफ, इट डिस्टर्ब्स वर्ल्ड, रिच पुअर जो भी डिफरेंसेस है सबको अतिक्रम करना है, सबको छोड़ना है। तो इसके लिए जो ज्योति मेरे अंदर है, जो चैतन्य मेरे अंदर है, वही उसी तरह हर एक के अंदर चैतन्य है, हर एक के अंदर वही सच्चिदानंद है। जस्ट लाइक स्पार्क्स फ्रॉम ए फायर, ऑल स्पार्क्स आर इक्वली पावरफुल। सो हर एक के अंदर वही क्षमता है, वही सच्चिदानंद विराजमान है, वही भगवान विराजमान है। तो ये जो डिफरेंसेस जो है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, जितना हो सकता है इसको अतिक्रम करूंगा, मेरे सोच विचार कर्म सब कुछ में। लेट मी स्टॉप सीइंग डिफरेंसेस इन पीपल, हर एक को श्रद्धा करूंगा, हर एक को रिस्पेक्ट करूंगा, जितना हो सकता है हर एक को मदद करूंगा, क्योंकि उसी रूप में भगवान मेरे पास आए हैं। तो पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान वही रूप में मुझे मौका दे रहे हैं, ऐसे सोचना है। स्वामी विवेकानंद यही बोलते थे कि दरिद्र के रूप में, रोगी के रूप में, दुखी के रूप में भगवान आते हैं। भगवान को सेवा करना, पूजा करना, यही सबसे बड़ा पूजा है। मंदिर में जाके पूजा करने से भी जो भगवान चलते हैं, जो दिख पड़ते हैं, तो उनको सेवा करना, उनका पूजा करना, यही सबसे बड़ा आदर्श है घर के। तो दिस इज़ प्रैक्टिकल वेदांत, प्रैक्टिकल रिलीजन, रिलीजन पुट इनटू प्रैक्टिस। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, हर एक काम के अंदर वही धर्म को, वही सत्य को अनुष्ठान करना है, प्रैक्टिस करना है। सो हर एक के अंदर मेरे बाहर वही चैतन्य को, वही ज्योति को, वही सच्चिदानंद को महसूस करना है। तो ऐसे सोचेंगे कि मैं ऐसे आश्रम के अंदर बैठा हूँ, मंदिर के अंदर बैठा हूँ, चारों ओर भगवान का आशीर्वाद है, द लाइट ऑफ गॉड इज़ देयर ऑल अराउंड मी, विद इन मी एंड अराउंड मी, आई एम इन द लाइट ऑफ गॉड, देयर इज ब्लिस ऑल अराउंड मी, आई एम फ्लोटिंग इन दैट ओशन ऑफ ब्लिस, ज्योति के अंदर मैं हूँ। तो वो शांति, वो कामनेस महसूस करें।
अभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें शक्ति दे, शांति दे, हमें मदद करे कि और भी अच्छा आदमी बनने में। लेट अस प्रे टू द इन्फिनिट गॉड हु इज़ विद इन अस ऑल अराउंड अस टू हेल्प अस टू बिकम बेटर एंड बेटर एवरी डे। गॉड लिसन्स टू प्रेयर्स, भगवान प्रार्थना को सुनते हैं, तो इसलिए जो हम मांगेंगे प्यार से ही गिव्स। तो ऐसे है कभी कभी हम ऐसे चीज़ों को प्रार्थना करते हैं जो हमें दिक्कत देती है, तो इसलिए भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ही डज नॉट गिव ऑल दैट वी प्रे फॉर। सो लेट अस प्रे फॉर something which is good for the entire world, entire humanity and my life, not only for my selfish end. तो सबके भलाई के लिए जो है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भगवान का जो कृपा है उसको हम रोक दें कि स्वार्थ पर प्रार्थना से, through selfish prayer, by putting blocks to God's grace, let us not put conditions to God's grace. कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मुझे IAS बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, all these are actually blocks to God's grace. Allow God to work through you, allow God to be graceful, feel His presence, allow Him to do what is best for you. Don't dictate terms to God. He is beyond what you can dictate, so don't dictate. Just allow Him to bless you, feel His grace. Don't put any conditions. Pray with a simple heart, like a child. अच्छा, अभी आँख खोल के देखिए, यू कैन। सो बहुत ज़रूरी है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू मस्ट कंटिन्यू द प्रैक्टिस एवरी डे नियमित रूप से। तो डिसिप्लिन इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इन मेडिटेशन, कि सुबह और शाम जब संध्या समय है, जब चारों ओर प्रसन्नता रहता है, तो तब ध्यान करने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड गेट्स यूज्ड टू ए पर्टिकुलर प्लेस, ए पर्टिकुलर टाइम। सो इफ़ यू कैन कन्विंस योर माइंड दैट एट दिस टाइम आई विल सिट इन दिस प्लेस एंड ट्राई टू फोकस माय माइंड, सो धीरे धीरे आदत हो जाता है। सो माइंड गेट्स प्रैक्टिस्ड, माइंड गेट्स ट्रेंड टू concentrate in the evenings and mornings in a particular place. So this is very important. Discipline is one thing that is basic to meditation. तो हर दिन करना है, तो ऐसे नहीं कि आज किया तो 10 दिन छोड़ दिया, वैसे नहीं हो सकता है। तो हर एक दिन सुबह और शाम बैठने से आसानी से होता है ध्यान। It becomes a practice, it becomes easy, just as you breathe, so meditation can become so easy and comfortable. So ये फर्स्ट है डिसिप्लिन। सेकेंड इज यू मस्ट फील हैप्पी व्हेन यू मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग स्ट्रेनुअस, स्ट्रेन नहीं होना चाहिए मेडिटेशन में। इट हैज़ टू हैपन नेचुरली। तो कॉन्सेंट्रेशन जब डीप हो जाता है तब मेडिटेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। वी नीड टू लर्न हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, वी आर letting our mind into so many things, so many thoughts, so many observations, so many currents, cross currents in the mind. So let us reduce thoughts in the sense, jo jo mere bare mein hai, whatever is helpful to me, whatever is constructive to my life, whatever is about me, usko
Let us concentrate on that. Let us try to rectify, cure those thoughts, purify those thoughts, those things which are not concerned about me, somebody else. Why to observe all that? Why to worry about all that? Chhod dijiye usko. So this way you can be selective. All those thoughts which are helpful to you, which are constructive, usko hi use kijiye. Give up all those negative thoughts, observing others, trying to find faults with others. Ye sab chhod dena chahiye. Ye sab koi kaam mein nahi aata hai. It does not help you in any way. So why say this is one way in which we can reduce the pressure in our mind, reduce the pressure of thoughts. Unnecessary thoughts jo hai, unnecessary thoughts are wastage of energy. Jo psychic energy hota hai har ek ke andar, to usko use karna seekhna chahiye. We need to learn how to use the psychic force that is there within ourselves, within our mind. By wasting thoughts, by wasting energy on thoughts, we are actually becoming weak. Physical weakness to ek hai. Second, mental weakness ek hota hai. To psychic weakness bhi hota hai, spiritual weakness bhi hota hai. When you have worked, you become physically weak. When you think unnecessarily, you become mentally weak, psychologically weak. So see that the mind is not weakened, mind is not put into stress. So iske liye thoughts ko process karna bahut zaruri hai. Just as we exercise, just as we gain strength by doing exercises of the body, similarly we need to exercise the mind. How? By removing all negativity, negative emotions, negative thoughts, not worrying about things which are beyond your control. These are the ways through which we need to cultivate the mind. So one way is by thinking of God, by thinking of something which is vast, koi samundar, koi pahad, to Himalay ke bare mein sochna, Bhagwan ke bare mein sochna, Akash ke bare mein sochna, Jyoti ke bare mein sochna, light ke bare mein ya Surya ke bare mein sochna. All these are things which can give you ideas about infinity. Anant ke bare mein jo samajhata hai, vastness, brihat jo hai, iske bare mein sochna zaruri hai. Tab kya hota hai, man ke andar bhi ye vishwas aata hai, ha anantata kya hai, anant kaise ho sakta ho, iske bare mein sochna. Mera bhi, mere andar bhi wahi anantata hai jaise surya ke andar hai, तो रश्मियों के अंदर जैसे है, आकाश के अंदर जैसे है, समुद्र के अंदर जैसे है, पहाड़ों के अंदर जैसे है. तो जो अनएंडिंग इन्फिनिटी, दिस वी नीड टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट. ऑलवेज वी आर इन स्मॉल पिजन होल्स. रामकृष्ण बोलते थे छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे मकान, इसके अंदर अंधकार के अंदर जो रहते हैं ना, उनका मन भी वैसे छोटा हो जाता है. तो एक्सपेंसिव थाट्स, thoughts about infinity, thought about the whole world, thought about the universe, thought about others, this never comes to such people. Isliye man ko vishal karna hai, hriday ko vishal karna hai. We need to think of something which is expansive, infinite. To ye bhi bahut acha dhyan hai. Chandogya Upanishad mein to bahut sare aise ideas hai, to jahan par hum dhyan kar sakte hai, like a bird, Sri Ramakrishna used to say. तो ध्यान करने के समय ऐसे सोचना है कि मैं एक मछली हूँ, तो बहुत बड़ा सागर में मैं तैर कर रहा हूँ. आई एम स्विमिंग इन ए वास्ट ओशन ऑफ ब्लिस. भगवान का जो सागर है उसके अंदर मैं स्विम कर रहा हूँ, मछली होके, फ्री होके, ऐसे सोचना है. नहीं तो एक पंछी के जैसे, जस्ट एज अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई इज फ्री, तो वैसे. So you have to imagine yourself that you are flying like a bird in the skies, always rising and rising, going higher and higher in life. These are techniques of meditation through which we can take our mind to positive and more positive levels. So let us pray to God. So two things that I would request: pray to God first, whichever God appears to you, pray to Him for more and more strength, more and more purity, more and more understanding, harmony in your life. Second, try to be of service to others, help as much as possible to others, feel the presence of God in each and every person. Third,
try to be regular in your practice in meditation, subah, sham. Whenever you feel like, you can just close your eyes for a few minutes. हो सकता है काम के अंदर, ऑफिस में है या कॉलेज में, जहाँ भी है, बस यू फील हैप्पी, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर वन मिनट, टू मिनट्स, थिंक ऑफ समथिंग विच इज़ वंडरफुल, सम इंस्पायरिंग आइडिया, सम इंस्पायरिंग लाइफ, सम इंस्पायरिंग पर्सन, सी दैट द पॉजिटिव एनर्जी कम्स इन टू यू. सो दिस कैन बी ए वंडरफुल टेक्निक, स्मॉल स्मॉल मेडिटेशन थ्रू आउट द डे. कोई आइडिया, कोई एनी थिंग दैट इंस्पायर, यू सी समथिंग ब्यूटिफुल, जस्ट क्लोज योर आइज एंड एब्जॉर्ब दैट ब्यूटी. यू सी समथिंग दैट इज इंस्पायरिंग, जस्ट क्लोज योर आइज एंड एब्जॉर्ब दैट. आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स एज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड. गॉड मैनिफेस्ट थ्रू ऑल दीज थिंग्स. इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी ए ब्यूटिफुल फ्लावर, इट कुड बी ए ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, इट कुड बी ए ब्यूटिफुल बर्ड, इट कुड बी ए ब्यूटिफुल पर्सन, इट कुड बी समथिंग वंडरफुल. यू सी सम वंडरफुल एक्टिविटी हैपनिंग. So yes, all these can inspire. We neglect, we do not observe so many things in life. So let us try to observe God through each and every aspect. How many of us observe beautiful flowers on the way, beautiful plants, isn't it? So it is very important to be aware of what we are observing, what we are seeing, what we are thinking. Be aware. This is very important. Buddhist meditation, that is the technique, trying to be aware of each and every thought, each and every act. Do things consciously, drink water consciously, sit consciously, stand consciously, walk consciously. Each step must be conscious. That is meditation, meditation in practice. तो ऐसे हो जाए तो बस भगवान के कृपा से सब हम बेहतर बनेंगे. ओम शांति शांति शांति.